आज हो रही है सक्सेस जोन में मॉडिफिकेशन का काम, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का छुट्टी मिल चुका है। 18 तारीख तक सारे को छुट्टी है, मतलब टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। कोचिंग में तो ऐसा छुट्टी नहीं है अभी फिलहाल, फिर भी मतलब जब छुट्टी टीचर्स को मिल जाने के बाद तो अलग ही खुशी होती है ना। तो अभी काम यहाँ पे चल रहा है, कुछ ही देर में बाद यहाँ पे चिपकाया जाएगा। अभी चूना उखाड़ा जा रहा है, मतलब जो पहले से चूना इसमें पड़े हुए हैं। यहाँ पे अविनाश सर जो कि देख रेख कर रहे हैं कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ मंडी स्वीटर जो कि हमारे कैमरा मैन है, फिलहाल वो कैमरा छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं। कैमरा का काम अभी कोई और कर रहा है। चुप कर रहे कुत्ते। यहाँ पे अविनाश सर को बस ये काम दिया गया है कि आप जा रही है, और बाकी यहाँ बोर्ड रखा गया है क्योंकि वहाँ पे चिपकाया जाएगा ना चिपू गम, तो इसलिए बोर्ड को तब तक यहाँ रखती है। काम खत्म, अब चलेगी चिलिंग। दवाल को सैनिटाइज कर दो, फिर ये सैनिटाइजर जो रखा हुआ है इसका यूज कर दो ताकि वो चिपके ना जाए। ये हमारा रिंग लाइट का ये हाल हो रखा है, देखिए ये हमारा रिंग लाइट का ये हाल हो रखा है अभी यहाँ पे स्टैंड का भी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखा सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है जो मैं चिपकाया गया था। बाकी अविनाश सर यहाँ पे काम करते हुए, झाड़ू का काम अविनाश सर को दिया गया है। चुपके बोलना पड़ रहा है इसलिए कमेंट कर कोई बता मत देना। मूर्ति में दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोले, अब लास्ट मतलब पूरा लास्ट में ही बचा है। देखिए बच्चा सर क्या बनाता है बैठ के, थोड़ा सा भी सर अगर इधर उधर है मतलब लेट आए या फिर कुछ भी, देखो भूत उत बना देते, समझ रहे हैं। मतलब एक तो बच्चे को इतना समझाया जा रहा है कि दवाल पे कम से कम ना घसो, ना लिखो, कॉपी पे लिखो जितना लिखना है, लेकिन नहीं, उनका कहना ये है कि मम्मी पापा कॉपी नहीं देते हैं इसलिए हम दवाल पे ही लिखे। देखिए इधर भी आपको कुछ चीज़ दिखाएंगे आपको, देखिए ओ आ यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको, लेकिन मतलब ये कॉपी छोड़ के ओ आ बच्चा कॉपी यहाँ पे लिखता है, इधर भी पेंसिल लिखा हुआ है, इधर भी बनाने का कुछ ट्राई कर रहा था बट छोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पे कछुआ, कछुआ टाइप का ही बताने क्या है, समझ रहे हैं बच्चे कितने हैं। इसलिए जो भी बच्चे यहाँ पे आते हो कृपया करके दीवाल पे ना लिखो, दीवार होता है नहीं, दीवार वही दीवार, दीवार वही दीवार है, दीवार को गंदा ना करें, कृपया करके दीवार को गंदा ना करें, वरना आपको 50 रुपया का फाइन होगा। और ये तो जानते हैं कि ये आपकी संपत्ति, अगर आप इसको अच्छे से रखोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी भी यहाँ पे आकर आराम से पढ़ेगी। अगर आप गंदे करके जाओगे तो फिर आपके आने वाली पीढ़ी भी गंदे नहीं पढ़ेगी। तो कृपया करके जो भी यहाँ आते हैं वो अच्छे से शांति से पढ़े। और बाकी मन्नी स्वीटर को देख सकते बेचारा, इसको बोले थे तेरा सही काम है भाई कैमरा ही पकड़, नहीं इनको काम करना था बेचारा किया। तू मेरी नकल करता है। बाकी यहाँ अविनाश सर झाड़ू लेके झाड़ने का कार्यक्रम करते हुए। एक बार चेहरे को दिखाइए तो, वाह वाह फिटनेस है अभी भी थोड़ा सा, क्रिकेट वाला फिटनेस बाकी है, ऐसे नहीं योर कर लेंथ गेंद चल जाता था। बाद में सैनिटाइज किया जाएगा दवाल को इससे ताकि कोरोना वायरस इसके अंदर ना हो, फिर जाके इसको चिपकाया जाएगा ताकि इसमें कोरोना वायरस इसके अंदर ना रह जाए, इसलिए सैनिटाइज मिले, सैनिटाइजर का व्यवस्था यहाँ पे है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो हमारे जो हंस भाई है मनी सूटर यानी कि मनी ऑफिशियल एंड असम वर्क डूइंग सम वर्क जस्ट लाइक ए पेंसिल 3D वॉल पेपर, ये उमड़ जाएगा खराब हो जाएगा सब, उमड़ेगा सब खराब हो जाएगा। हेलो, हम लोग के थकने के बाद अविनाश सर को खुद से करना पड़ रहा है। देखिए लेकिन ये काम सही से नहीं करे, देखे मन्नी स्वीटर जो काम किया था साफ साफ पूरा चुन्ना उजला उजला दिख रहा, इनका देखो पूरा कर चुके हैं बट देखो वैसे का वैसे दिख रहा, देखिए वैसे का वैसे दिख रहा। तो यहाँ पे काम जो है लगभग लास्ट पे है, और ये देखो चिपकाने का अगर आपको तरीका जाना तो ये ऐसे करके आप चिपका दो, पहले ऊपर का पार्ट हल्का सा चिपका दो, फिर देन उसको नीचे से उसका जो मतलब पेपर जो होता है ना पेपर को आप मतलब खींचते रहो, देन वो ऑटोमेटिक हाथ से एक हाथ से दाबते रहो। देखो जैसे कि ये ऊपर वाला देखो लुक कितना अच्छा लगा, 3D वॉलपेपर बहुत ओपी है। और अगर इसको अगर आप बाय करना चाहते हो तो अगर आपको चाहिए इसका लिंक तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि आपको मैं कमेंट में ही लिंक पिन कर दूंगा, या फिर आप बताओगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल सकता हूँ।
वरना ऐसा कोई जरूरत है नहीं, ऐसा तो आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाके चेक। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। फाइनली मेहनत करने के बाद क्लासरूम कुछ इस तरह दिख रहा है, बाकी कुछ बचे हुए सामान वो एक्चुअली गेट लगाने का काम आता है, बाकी यहाँ सब रिलैक्स कर रहे हैं। अभी नासिर बहुत ज़्यादा थक चुके क्योंकि बहुत ज़्यादा झाड़ू मारना पड़ा इनको, दवाल घसना पड़ा, उसका अंदर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मन्नी भी आगा तो बात ही नहीं कर सकते, ये बेचारे इतने थक चुके कि अभी इनको जाएंगे ना सुबह 12 बजे तक नींद खुलने वाली नहीं। बाकी कुछ फिनिशिंग इसमें बचा हुआ है जिसमें कि जैसे कि यहाँ पे वो कल सुबह ख़त्म कर दी जाएगी। फिर भी आप अगर क्लासरूम का एक नज़ारा देखना चाहो तो एक नज़ारा देखना चाहिएगा तो कैमरा मैन के द्वारा देख सकते हैं, तो आप दिखा दें क्योंकि आपका वो व्यू अलग होगा ना सर।